कैंट थाने की पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर अश्लील प्रैंक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अमित यादव पुत्र संतराज यादव निवासी मठिया बुजुर्ग थाना जगदीशपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंट ने बताया कि अभियुक्त अमित यादव यह कार्य करीब 6 माह से कर रहा है। पहले यह प्रैंक वीडियो रामगढ़ताल नौकायन पर बनाता था, यहां पुलिस के द्वारा मना किया गया तो यह कृत्य वी पार्क मोहद्दीपुर थाना कैंट में शुरू कर दिया था। उक्त कृत्य के संबंध में लोगों द्वारा शिकायत किया गया कि सार्वजनिक स्थान पर जहां महिला पुरुष अपने परिवार के साथ टहलने जाया करते हैं, वहां पर लोगों का अमित यादव द्वारा अश्लील प्रैंक वीडियो अपने साथियों के साथ मिलकर बनाता था तथा उसे सोशल मीडिया पर डालकर पैसा कमाता था। इसके इस कृत्य से समाज में गलत संदेश फैल रहा था और लोग अपने परिवार के साथ वी पार्क में जाने में शर्मसार हो रहे थे। ऐसे कार्य करने वालों के विरुद्ध कैंट पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसमें ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में अभियुक्त अमित यादव द्वारा अश्लील प्रैंक वीडियो बनाने व सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिसके कारण अभियुक्त को आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की कृत्य कोई भी करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक सुधांशु सिंह, हेड कांस्टेबल अभिमन्यु तिवारी, कांस्टेबल ब्रजपाल शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, अरे दुख दुख करे, दुख दुख करे हमारे फूलों की होली। ये एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा प्रैंक वीडियो बना के डाले गए थे। उस संबंध में जब ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई तो तुरंत संज्ञान में लेते हुए एक अभियोग थाना कैंट पर पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात थाना पुलिस द्वारा आरोपी अमित यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस संबंध में विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। साथ ही साथ इस तरीके के जो भी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जाएगा और उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाएगी।